खड़े क्यों हैं बालक हमारे? आपके खड़े होने से पंडाल में हवा रुकती है। पीछे दो कार्यकर्ता ऐसे रहे, खड़े होने वाले को हाथ जोड़ करके बैठा दिया करें। जैसे कोई खड़ा हो तुरंत बैठा दिया करें। तीनों भाइयों के साथ में अवतार हुआ, भरत, लखन और शत्रुघ्न। गुरु के घर वशिष्ठ जी के यहाँ यह विद्या अध्ययन करने के लिए गए और अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। लौट करके आए तो विश्वामित्र जी मां ले गए। इनके यज्ञ को सफल करने के लिए भगवान जब गए तो आगे से ताड़का आ रही थी। अरे गुरुदेव, ये तूफान सा कैसे आ रहा है? ये आंधी सी क्या है बाबा? बोले राम, इसी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। ये ताड़का है जो ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को बहुत परेशान करती है, और जब जब साधना पे बैठे हैं तब तब ज्यादा परेशान करती है। क्या है ये? माया। अच्छा, बहुत से लोगों का अनुभव होगा कि वैसे ये मन कहीं नहीं भागेगा, लेकिन जैसे ही भजन पे बैठेंगे आहो, फिर देखो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कानपुर, फिरोजाबाद, इटावा, एटा, एका, जाने कहाँ कहाँ। तो जब जब ये विश्वामित्र साधना पर बैठते हैं वैसे ये माया आकर के इनके हवन कुंड में न जाने क्या क्या डालती है, जाने क्या क्या। तो ये हमारे मन की वृत्ति ही तो माया है और ये परेशान करती है। और भजन न करो, साधना पर न बैठो तो मन की कोई दिक्कत नहीं है, फिर मन ज्यादा दौड़ नहीं लगाता। राम, ये बड़ा परेशान करती है मुझे। अच्छा गुरुदेव, चिंता मत करो। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। ताड़का आई, भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया। एक बाण प्राण हरि लीला, एक बाण प्राण हरि लीला, एक बाण प्राण हरि लीला। ताड़का का हरण कर लिया, प्राण हर लीना। सुबाहु आया, समाप्त कर दिया। मारीच आया तो बाण बदल दिया। बिनु फर बाण राम ते मारा, बिनु फर सिर्फ बाण मारा, मारीच को नहीं मारा, सुबाहु को मार दिया, ताड़का को तार दिया। मारीच को नहीं मारा, बाण बदल दिया। बेनो भर बाण सीधा पहुंचा दिया रावण के पास श्रीलंका के नजदीक। ऐसा क्यों किया? मारीच का फूफा लगता था क्या? कोई रिश्ता था, कोई नाता, कोई गहरी भीतर की दोस्ती ना। तो मारीच राग है, राग, और राग के बिना अनुराग पैदा नहीं होगा। राग संसार में लग जाए तो बुरा है, और यही राग जब परमात्मा में लग जाए तो इससे अच्छा परमात्मा को पाने का, प्रसन्न करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। सर बिनो मिलहि न रघुपति बिनो अनुराग मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग किए कोटि जप संतों के पास रहता है, किंतु इसका ध्यान संतों के पास नहीं, संतों के चरणों में नहीं, संतों की क्रियाओं में नहीं, संतों के वचनों में नहीं है, रहता तो पास में है। तो यदि शरीर से कोई संतों के पास रहे और मन से कोई रावण के पास रहे, कुंभकर्ण के पास रहे, मेघनाथ के पास रहे, तो संतों के पास रहने का उसे फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि जहां तेरा मन है वहीं जाना है, यहां रहने से फायदा क्या है? अच्छा, ये रिमोट कंट्रोल से चलता है रावण के से। जैसे कुछ लोग कथा में बैठे हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल उनका घर पे हो, घर से जैसे चलाए जा रहे हो वैसे ही चले, फिर कथा में बैठने का मतलब क्या हुआ? अरे या तो जब तक कथा में बैठे हो तब तक कथा में ही रहो, या फिर घर में मन है तो फिर घर में ही रहो। हैं माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमा मनुआ तो चहुं दिश फिरे ये तो सुमिरन नाम ये तो सुमिरन। बाण की नोक पे रख करके भगवान ने ये मारीच भेज दिया लंका, लेकिन उस दिन से उल्टा हो गया। एरी मैया मैया अरे हाँ ना तो बोलो करो हाँ हाँ। जब बहू को घर में मन नहीं लग रहा हो, बार बार चिल्ला रही हो कि मोई भाभी के यहाँ भेजो, मोई मैया के यहाँ भेजो, फिर वह जितना रोकोगे उतना ही मन को स्पीयर में भागेगो, है ना? अरे हाँ ना तो बोलो, है ना? है ना? हाँ। और ज्यादा दिन रोकोगे, तुम नहीं भेजोगे तो फिर काम बिगाड़ेगी, कब शीशा हो रही, कब कपे फो रही, कब टीवी फो रही, कहीं बिगड़ेगा, मैं ध्यान ही यहाँ नहीं है। तो अब जो चतुर सास होती है ना, चतुर होशियार समझदार, वे क्या करती हैं, जैसे ही बहू को मन भयो मायके जावे को तुरंत भेज देती हैं, और फिर ये और कह देती हैं कि जब तक तेरो मन हो तब तक रहियो, हाँ खूब जब मन भर जाए तब फिर मुँह पे खबर कर दियो, बुलवा लूंगी हाओ। अच्छा ऐसे कह के भेज दो, फिर 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना, फिर अपने आप कहेगी उधर उधर कहेगी फिर मैया से, मैया अब तो भेज दे, बहुत दिन आएंगे। हैं जब इधर थी तो मन उधर था, और जब उधर पहुंच गई तो कछु दिन बाद धीमे धीमे मन इधर आ गया। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो करो। हम देखो मुझे तो पता ना ससुराल कैसी होती है, कि माई को कैसे होते, पियर कैसे, तुम हाँ ना करोगे तो कोई समझ में आवे मेरी गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। तो जब मारीच इधर था तो मन उधर था, और जब उधर पहुंच गया तो उसका मन इधर आ गया। भई गति कीट भ्रंग कीना, अब ध्यान उस दिन से राम के चरणों में। अब शरीर से मारीच कहाँ है? लंका के पास, और मन से राम के पास। और भगवान को तो मन ही चाहिए, तन की भगवान को जरूरत नहीं है। अच्छा हम लोग कुछ लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं तो शरीर से परिक्रमा देंगे, और मन कहाँ है? तो 2-4 जने मिल के जाते हैं तो पूरे रास्ता बात करेंगे, व्यापार की, बिजनेस की, नौकरी की, के घर की, के भैंस की, के भैंस की सानी की, है? अब बताओ शरीर से लगा रहे हैं चक्कर और मन धरे हो घर के भैंस पे, तो वो पूरा फायदा नहीं होगा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना, मन राखो जहां कृपा निधान, कर से कर्म करो विधिना। भगवान को मन की जरूरत है, मन दे दो। संसार वालों को शरीर की जरूरत है, शरीर दे दो। हम उल्टा करते हैं, वृंदावन चले जाएंगे, शरीर भगवान के उसमें लगा दिया और मन घर ही बैठे हो नाती पे, हैं? जैसे हमारे परीक्षित जी खिलाते रहते हैं, कथा में आराम से कथा की कथा, भगवान को भजन, नाती और नातिनी गोद में आराम से, हाँ? टेंशन खत्म। नहीं बुरी बात नहीं है, हम इसमें हम कथा में, हमारे नाती बेटा कथा में हो, ये तो सौभाग्य की बात है, हैं? हम कथा में हमारी संतान, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा देश सब कथा में आमे, ये तो सौभाग्य की बात है। किसी किसी पर ऐसी कृपा हुआ करती है, नहीं तो पूत कहाँ निकलते हैं, ज्यादातर तो कपूत ही निकल के आते हैं, हैं? बाबा कथा में बैठे हैं तो बैठो, न छोरा आवे न नाती आवे, हैं? वो सब परिवार की तो बात ही अलग है कि बाबा भी कथा में, नाती भी कथा में, छोरा भी कथा में, बहू भी कथा में, छोरी भी कथा में। ऐसे परिवार को तो मैं बार बार प्रणाम किया करता हूँ। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, धन्य धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्यवाद का पात्र है, प्रणाम करने के योग्य है। पूजहि तो महि सहित परिवार, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा। पूजहि तो महि सहित परिवार, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, सेवहि तुम्हारी परिवार तो नरक है। बेटा कहीं और जा रहा है और बाप कहीं और जा रहा है, बहू जा रही है बन में और सास जा रही है सन में, हैं? बाप की मति कुछ और है, बेटा की मति कुछ और है, हैं? ऐसे समझो ऊंट की और भैंसा की बुग्गी जोड़ लियो है, हैं? तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम। मारीच को भगवान ने इसलिए फेंका इतनी दूर कि इसका मन मेरे में लग जाए, और उस दिन से मारीच भगवान का हो गया। भैया विश्वामित्र जी ने कहा राम मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, आगे कुछ और भी यज्ञ अधूरे पड़े हैं, आपके बिना चलोगे? भगवान ने कहा मैं तो आया ही इसलिए हूं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित त्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। चलो गुरुदेव, आप जहां ले चलोगे वहीं मैं तो तैयार हूं। मैं तो संतों के इशारे पे चलने के लिए ही धरती पे आता हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। चले हैं जनकपुर की ओर। आगे चले बहोरे रघुराया। रास्ता में एक सुनसान आश्रम पड़ा। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये एक पत्थर बड़ा विचित्र सा लगता है, ये क्या है? बड़ा विचित्र सा आश्रम है ये, बड़ा सुनसान सन्नाटा सा, न कोई चिड़िया है, न कोई पंछी है, न कोई पशु है, न ये क्या है? गुरुदेव ने कहा, राम ये आश्रम शापित है। किसी दिन यहाँ बड़ी रौल चौल रहा करती थी, लेकिन जुर्म का दौर गया और सजा बाकी है। बेटा, ये जो सामने शिला दिख रही है ना, ये गौतम की नारी है। ये शापित हो गई है, आपका इंतजार कर रही है। कब आओगे आप, कब इसे स्पर्श मिलेगा और कब इसकी जड़ता दूर होगी, इसी इच्छा में, इसी आशा में आपका इंतजार कर रही है। राम अपने चरणों की रज प्रदान करो इसे। गुरुदेव ये ऋषि पत्नी है, ये ऋषि नारी है, मैं अपने चरणों की रज कैसे दे सकता हूं? राम यदि आप ही ऐसे दीनों पर दया न करोगे तो फिर ऐसे दीनों पर दया कौन करेगा? बहुत दिनों से आस लगाए बैठी है, कृपा करो। राम जी आगे बढ़े, अपने चरण की धूली, अपने चरण की रज प्रदान करी है अहिल्या को, और उस शिला में से वो दिव्य नारी चैतन्य रूप में प्रकट होकर के भगवान के सामने प्रार्थना करती है, हे प्रभु, न जाने कितने वर्ष, कितना समय बीत गया, मैंने अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन को जड़ बना लिया था। आपने दर्शन दिया, बड़ी कृपा आपकी। हे प्रभु, अब एक आशीर्वाद दो, एक वरदान दो। मम मध मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन रूपी भौरा तुम्हारे चरण कमलों का ही पराग का पान करे, रस पान करे। बस यह आपसे प्रार्थना है मेरी। मैं आपको छोड़कर के अब किसी को देखूं ना, किसी को निहारूं ना, और किसी में मेरा मन न लगे। मेरा मन एक बार भटका, उसकी सजा मैंने इतने दिनों तक पाई। अब मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं देखना भी नहीं चाहती हूं। भैया, अहिल्या हो चाहे सीता हो, भगवान के चरणों को छोड़ करके निगाह कहीं और जाएगी, नजर कहीं और जाएगी, तो सजा तो भोगनी पड़ेगी। सीता जी भी राम के चरणों को छोड़ करके हिरण पर दृष्टि डालती हैं, तो उन्हें भी लंका में जाना पड़ता है भगवान को छोड़ करके। सीता जी ने भी यही कहा था, छन छन चरण सरोज निहारी। मैं आपके चरणों को क्षण क्षण पर देखूंगी, एक एक क्षण आपके चरणों के दर्शन में लगा दूंगी। लेकिन जब पंचवटी पे पहुंची और हिरण आया है तो फिर क्यों छोड़ दिया राम जी के चरणों को, क्यों सोने पे निगाह चली गई? इसलिए भगवान ने कहा अब तेरी निगाह सोने पे बार बार जा रही है तो जा सोने की लंका में ही चली जा। इकट्ठा भैया 10 महीना के लिए, फिर ऐसी होकर के आई कि जिंदगी में फिर कभी सोने पे निगाह जाए ही नहीं। अहिल्या का उद्धार करके भगवान जनकपुर में पहुंचे हैं। सतानंद जी के साथ में जनक जी, मंत्री और ब्राह्मण लोग विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए। विश्वामित्र जी से मुलाकात करी। राम लखन कहीं गए थे। जब राम लखन घूम घाम करके जैसे ही आए और जनक ने जैसे ही देखा सब सचिव और मंत्री और ब्राह्मण और स्वयं जनक बैठे थे, सब खड़े हो गए। राम को देख कर के एक टक रहे निमेशन लावन, आंखों की पलकों ने झपकना बंद कर दिया। ये जनक विदेय हैं, वेदांत के बहुत जानकार हैं। जनक वेदांत के ज्ञाता हैं, ज्ञानी है जनक। लेकिन एक बड़े काम की बात आ रही है। राम कई जगह गए और कई जगह परिचय दिया और कई जगह परिचय लिया गया, लेकिन एक बात बड़े काम की है। जब शबरी के यहां भगवान गए और केवट के यहाँ भगवान गए तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो। केवट तो सीधे सीधे कहता है कहे तुम्हार मरम में जान, तुमको भी जानता हूं और तुम्हारे, बोला तो करो भैया, तुमको भी जानता हूं और तुमको भी जानता हूं और तुम्हारे मरम को भी जानता हूं। अब कितनी गहरी बात है ये शब्द में छुपा हुआ है। आज की भाषा में कहें तो तुमको भी जानता हूं, तुम्हारी सारी पोल पट्टियों को जानता हूं, यही तो भाव है। मरम को जानने का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कहो आदमी तो ज्यादा मत बने, ठीक है हम सब जानते, हाँ हमारे सामने मत बनो करो, हम भीतर बाहर की सब जानते हाँ है? कि बट ऐसी तो कहता है कि मैं तुमको भी जानता हूं और तुम्हारे मरम को भी जानता हूं। देखिए एक मछुआरा, एक नदी के किनारे एक केवट, एक नाव को चलाने वाला व्यक्ति मरम को जान सकता है, लेकिन दुबे जी एक ज्ञानी, एक राजा और एक सुखदेव जैसे विरक्त को सर्टिफिकेट देने वाला जान नहीं पा रहा। जान गए होते तो विश्वामित्र से क्यों पूछते? ब्रह्म जो निगम नीति कहेगा, ब्रह्म जो निगम नीति कहेगा, उभय रूप धर की सोई आ। प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये नहीं कह रहे हैं कि यह ब्रह्म है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या? उभय रूप धरि की क्या सोई आवा, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। क्या ये वो है? क्या ये वो है? क्या ये वो है? क्या ये है? इसका मतलब जनक संशय में है। जब ज्ञान है तो संशय कैसे, और संशय है तो फिर ज्ञान कैसे? बड़ी विचित्र बात है। और चलो कोई छोटा मोटा आदमी संशय करे तो बात जमती भी है। जनक के बारे में क्या कहा गया? जनक तो छोड़ो, जनक की प्रजा के बारे में सब नर नारी सुभग सुचि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। चलो कम करके देखें। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनक के बारे में ऐसा कहा गया कि जिसके वचन सूर्य की किरण के समान है, जो मुनियों के हृदय रूपी कमल को जिसके वचन की किरणें खिला देती हैं। अब मुनियों के हृदय रूपी कमल को कोई संसारी आदमी तो खिला नहीं सकता, कोई विलासी आदमी तो खिला नहीं सकता, कोई ज्ञानी ही मुनियों के हृदय रूपी कमल को खिला सकता है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा विदेह। और राम जी के बारे में संशय बड़ी विचित्र सी बात लगती है। कुछ कहना है बड़े और केवट, न तो ज्ञानी है, न विद्या है, न धर्मात्मा है, कुछ भी नहीं है। और वो दावा करता है कि मैं तुम और तुम्हारी पोल पट्टी पूरी पूरी जानता हूं, समझे। और पता है जनक ने भी राम के पांव धोए हैं और केवट ने भी जब सीता जी का विवाह होता है तो पांव धोए हैं। और पूरे पांव नहीं, केवल पांव का, दोनों पांवों का नहीं, एक पांव का अंगूठा। और केवट ने पांव का अंगूठा नहीं, पूरा पांव का पांव और एक नहीं, बोलो बोलो, हाँ? दोनों। एक केवट एक मछुआरा और ये विदेहराज जनक, जनकपुरी का राजा, एक अंगूठा दो पाता है। और मैं क्या बताऊं आपको, जनक ने तो अपने जीवन की दौलत दी है। अंगूठा तब धोने दिया भगवान ने, और यहां अंगूठा धोवाया खुद, और खुद ही अंगूठी बोलो बोलो दे रहे हैं कि भैया पाँव धोले और या पाँव धोवाई को कछु ले हैं। और वहां जनक से पाँव जब धुलाऊंगा जब पहले अर्पण कर, समर्पण कर अपना, हैं। सीता जी दी और न जाने क्या क्या दिया वहां, हैं। तब जाकर के एक पाँव का अंगूठा धोने दिया। जब वामन भगवान बने थे ना, उस समय जब पांव ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने कमंडल में भगवान के चरण को धोने के लिए प्रार्थना करी कि धो लूं। तब भगवान ने कहा धो लो लो, एक अंगूठा कर दिया, बोले एक अंगूठा धो लो, बस बन गई गंगा जी, हैं। तब गंगा जी बनी साहब, एक अंगूठा धोने दिया जनक को, एक अंगूठा धोने दिया ब्रह्मा को, हैं। और दोनों अंगूठा नहीं, दोनों पांव के पांव धुलाए यहाँ केवट के यहाँ आकर के। ये जो जनक है ना, प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब है संशय बैठा है। ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा, ओ भय रूप धरे की सोई आवा। शबरी ने तो पहचान लिया, केवट ने तो पहचान लिया। अच्छा, एक जगह और गड़बड़ हुई। हनुमान जी जब ऋषमुख पर्वत पर मिले तो भी गड़बड़ हो गई साहब। हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दूत हैं और वहां हनुमान जी नहीं पहचान पा रहे। जब बाद में जान पहचान हुई तो हनुमान जी ने पूछा कि मोर न्याव में पूछा साईं, मैं तो जीव हूं एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान। मैं तो चलो भूल गया लेकिन आप तो परमात्मा होकर के भूल गए हैं। भगवान ने कहा मैं भूला नहीं हूं। तो हम बोले तू भी रूप बदल के आया तो फिर मैंने भी अपना दूसरा ही रूप दिखाया। मैं साची साची क्यों बताऊं, तू असली में आ गया तो मैं भी असली प्रकट हो गया है। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। अच्छा चलो हनुमान जी ने तो कपट का रूप धारण किया इसलिए भगवान ने ऐसा किया। जनक ने बेचारे ने कहा करो क्यों गलती, कोई गलती तो दिखाई नहीं देती न, रूप बदलाए जैसे के तैसे हैं और फिर भी वहां प्रकट नहीं कर रहे अपने आप को। जनक बार बार विश्वामित्र से पूछ रहे गुरुदेव जल्दी बताओ, मेरा मन कुछ कह रहा है और मेरा मन एक जगह टिक नहीं रहा, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा, होत थकित जिमि चंद चकोरा। मेरा मन बैरागी है, इन संसार के रूपों पर कभी आज तक लुभाया नहीं है, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामने रूप आया और मेरा मन बार 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 बार, पहली बार जिंदगी में ऐसा हो रहा है। मुझे अपने मन पर विश्वास है गुरुदेव, मुझे कुछ लग रहा है। शबरी ने पहचान लिया, केवट ने पहचान लिया और ये जनक नहीं पहचान पा रहा। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा महात्मा क्या कारण बन गया। तुम पिटोगे का इतना? हाँ अच्छा, तुम्हारी तरह तो नहीं हो जाता। बोलो बोलो, तुम्हारी तरह तो नहीं हो जाता। धन्यवाद आपको, अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया। ज्ञान मान जहां एक नाई, ज्ञान मान जहां एक नाई। आप द्विवेदी होने इसलिए दो उत्तर दूंगा इसके। आप त्रिवेदी होते तो तीन देता, चतुर्वेदी होते तो चार देता, अब दुबे हो इसलिए दो उत्तर दूंगा। पहला उत्तर है ज्ञानी, पहला उत्तर है ज्ञानी अपने ज्ञान के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, वेदांत के आधार पर, जहत अजहत जहता जहत लक्षणाओं के आधार पर परमात्मा को जान तो सकता है, लेकिन परमात्मा यदि किसी वेश में आ गया तो उसको पहचान नहीं सकता। ऐसा जानना अलग बात है और पहचानना अलग बात है। जानना अलग बात है। जैसे किसी विद्यार्थी ने पढ़ा, सूत्र आते हैं ये साइंस के H2O और ये फलाने निकालने में ज्यादा नहीं जानता। अब उसने विज्ञान में पढ़ा है, जैसे फिटकरी का कोई सूत्र है, पानी का सूत्र है और तुम्हारे ये नमक का सूत्र है। उसने वहां तो पढ़ लिया लेकिन उसने देखा नहीं जीवन में कि इसका अर्थ ये होता है। तो उसने जाना तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में सामने आ गया तो उसे पता कुछ नहीं है, काला अक्षर। तो जानना अलग बात है और पहचानना अलग बात है। पहचान कब होगी? जब नॉलेज विद प्रैक्टिकल होगी। पहला उत्तर पूरा हुआ। दूसरा, पहचानना और जानना इनसे भी ऊपर की एक स्थिति होती है। पहचानना और जानना इससे भी ऊपर की एक स्थिति होती है। वह क्या? जब तक मैं हूं मैं, तब तक तू भी बैठा है। जब तक मैं हूं तब तक तू भी बैठा है, और जब मैं ही नहीं हूं तो फिर तू भी नहीं है। और मैं और तू दोनों गए तो तू मैं खत्म हो जाएगी, फिर जो रहेगा वही परमात्मा है। उसके लिए जब हम जानेंगे तो ज्ञान मान जहां एक ना, ज्ञान मान जहां एक ना। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मात माने हार। मानो न मानो, दिल तक बात पहुंचेगी, ठीक है। दिल तक बात पहुंचे तो गड़गड़ करना जोरदार। गड़गड़ माने ताली, अभी नहीं, बात दिल तक पहुंच जाए तो। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की बोलो मात हुई। मैं अब तक मैं, और तू अब तक तू। मैं अब तक मैं, तू अब तक तू। ये भी कोई बात हुई? मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मैं अब तक मैं, और तू अब तक तू। ये भी कोई दर्द दिलों के कम हो जाते तुम हो तक मैं और तू अब तक तू, ये भी कोई बात। परमात्मा को खोजने के लिए पहले खुद को खोना पड़ेगा और जिस दिन हमारा खुद खो जाएगा उस दिन परमात्मा हमें मिल जाएगा। जनक जी पहचान नहीं पा रहे साहब, और गुरु ने भी अटका दिया। गुरु बताने वाला था कि ये ब्रह्म ही है। तब तक राम जी ने एक प्यारी सी मुस्कान दी गुरुदेव की ओर। गुरुदेव, अभी हम पोल पट्टी खोलने नहीं आए, अभी हमें जो नाटक करना है उस नाटक को कम से कम पूरा होने दो। गुरुदेव जी ने भी कहा कि ये दशरथ के बालक हैं और मम हित लाग नरेश पठाए, मेरे हित के लिए दशरथ राजा ने मेरे साथ भेज दिया है। लेकिन एक बात बताएं, आप सबने अनुभव किया होगा, कोई व्यक्ति तुमसे कोई बात कह रहा है और वो तुम्हारे गले न उतर रही हो तो तुम्हें चैन नहीं आएगा कि भाई ये कह तो ऐसा रहा है पर ऐसा लग नहीं रहा है, बात कुछ और है। भले ये कह रहा है, बार बार कह रहा है, पर बात गले के नीचे उतर ही नहीं रही तो तुमको चैन नहीं पड़ेगा। कब तक? जब तक उसकी हकीकत नहीं जान लोगे तब तक। जनक मन में बार बार सोच रहे हैं, घर पहुंच गए लेकिन एकउ जुगुतिन मन ठहरानी सोचत जनक कहीं रहने बिहानी। पूरी रात बीत गई कि ये क्या मामला है, ये क्या है, ये कैसे है, लेकिन बात फिटे ही नहीं बैठ रही। जो विश्वामित्र कह रहे वो है नहीं और जो महसूस हो रहा है वो विश्वामित्र मान नहीं रहे। अब संत की बात को झूठी भी नहीं माना जा सकता। अब संत क्या करे? राम जी ने स्वयं इशारा कर दिया कि अभी सत्य बताने का अवसर आएगा तब बताएंगे। भगवान शाम को गुरुदेव के पास चरण सेवा में लगे। चरण चापन दो भाई। राम जी ने कहा गुरुजी ये लगन है ना, इसका मन कर रहा है कि हम जनकपुर देखे हमें। गुरुजी ने कहा बेटा लखन का मन कर रहा है, तुम्हारा तो नहीं कर रहा ना। अब राम जी कैसे कहें, मन तो राम जी का भी हो रहा है जनकपुर देखने का। अच्छा बेटा राम ये बताओ कि इसका लखन का तो मन कर रहा है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? बोले गुरुजी मेरा मन तो ये कह रहा है कि तुम आप कहो, आपकी आज्ञा हो तो लखन दिखाए लाऊं। अब गुरुजी बोले बेटा दिखा के तो वो ला सकता है जिसने पहले खुद ने देखा हो, क्या तुमने देखा है? अब राम जी चुप। लेकिन गुरुदेव ने ध्यान लगाया कि बात क्या है, क्यों आज राम का पहली बार कुछ मन हुआ है। दो गुरु चेला थे और चेला रोजाना गुरुजी से कहता गुरुजी दिल्ली जाने का मन हो रहा है, दिल्ली। अब गुरुजी बोले बेटा दिल्ली में अपना कोई काम ही नहीं है, अपन तो महात्मा ठहरे, आश्रम में अपने काम है, वृंदावन या गोवर्धन, दिल्ली में अपना क्या काम? बोले गुरुजी कैसे करो, मन बहुत कर रहा दिल्ली जाएगा। बोले बेटा सोचेंगे। दो चार दिन बीते, फिर चेला बोले गुरुजी दिल्ली जावे को बहुत मन है। अब जब बार बार चेला कहे तो गुरुजी ने कहा कारण क्या है? योगी थे गुरुजी, उन्होंने योग ध्यान किया और जानने के लिए कि इसका मन क्यों भाग रहा है दिल्ली। जब ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि ओहो इसे चेला के प्रारब्ध के कुछ गन्ने दिल्ली के पास खड़े हुए हैं खेत में। अब वो बिल्कुल फसल पे पक गए हैं, वो कट के दिल्ली में आने वाले हैं। इसका प्रारब्ध इसे दिल्ली बोलो बोलो खींच रहा है। गुरुजी ने कहा कि अब इसको कहाँ डुलाए फिरूंगा, अपनी योग बल से उन गन्नों को तोड़ के ले आए और आश्रम में डाल दिए। और जैसे ही गन्ना मिले तो चेला टूट पड़े और धुआं उड़ाया था। एक नहीं बचो ने को। अब वाके बाद दूसरे दिन गुरुजी ने कहा बेटा चलो दिल्ली चल रहे हैं। बोले गुरुजी अब ना मन है रहो। बोले मन नहीं है रहो। अरे तू तो चिल्ला रहा था एक महीने से कि दिल्ली चलना है। बोले गुरुजी कल तक तो खूब मन हो पर अब कल लेते बिल्कुल मन शांत है गो, न कहूँ दिल्ली जानो न पिल्ली जानो, अब कहूँ ना जाना आश्रम में रह गए मन हेरी मैया। कभी कभी आपका मायके में जाने का मन होता है ना, बहुत मन होता है। कभी कभी वो सास मना करे तो कितनी गुस्सा आती है, लगाते आग लगा दे। वो तो बस की ना मजबूरी है, माता जी है ना। हाँ, लेकिन मन बहुत करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पे कोई न कोई याद कर रहा होता है, वहां पे सब लोग चर्चा कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। याद जब तुमने किया, तैयार हो जाओ तालियों के लिए। अभी नहीं बजाना, नहीं तैयार कर रहा हूं। कुछ लोग तो सेल पे स्टार्ट होते हैं। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी। कोई याद करता है तो हिचकी आती है। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी और आंसुओं से जो लिखी। याद जब तुमने किया तो हिचकियां बोला करो अच्छी लगी और आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी, आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। ऐसी हालत हो गई मोरी। आज मेरा कथा कहने में बड़ा मन लग रहा है क्योंकि आज पांडाल छका छक भरा दोनों तरफ। अच्छा माताएं थोड़ी कम हैं तो माताओं की तरफ भी आदमियों ने कब्जा कर लिया है। या कब्जा करवेगी तो आदत ही यहाँ बहुत ज्यादा है। कहू के प्लॉट पे कब्जा के, कहू के घर पर कब्जा के, कब कब अब यहाँ पांडाल में कब्जा कर लो। देखो पूरे इधर तक भर गए। पर नहीं, अच्छी अच्छे भगवान के नाम में कब्जा करो तो कोई बुरी बात ना है। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत आज भाव से लोग आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत साधुवाद है। ठीक है, अब खड़े है जाओ। कल राम जी की शादी करेंगे। मैं कथा कम कह पा रहा हूँ इसीलिए क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। कथा कम है और वैसे कम रहे तो ही ठीक है। तुमने प्यासे से बनी रहो तो ही अच्छे लगा। तो जैसे कि जाओगे तो फिर आओगे। खड़े है जाओ करो जी, बैठे कैसे हैं? एक तो इतने मोटे मोटे हैं जिन पर खड़ा हो तो ना बह जाओ। अब एक भजन गा लो सब्जी बाल। अच्छा यहाँ के बालक ना फुर्ती ना तो वैसे ही है जैसे कैसे कहूँ, न तो नाचे न कूदे, ऐसे बैठे रहते माटी के से। हमें उधर आगरा में ग्वालियर में उधर कथा करते तो इतना नाचते हैं बालक, पांडाल की धूल उड़ा देते हैं। और यहाँ तो पता नहीं मठा पी बताए कि जन खा करता है और नाचवे नाचवे बालक आगे आ जा करो। मुझे अच्छा लगे न बालक तो नाचत कूदत ही अच्छे लगता है हैं? और समझ लो जिन पे उछले और नहीं जा रहे हो, बैठे उठे हो नहीं जा रहे हो तो बुढ़ापा आएगा फिर काहे के जवान है। तो नाचवे नाचवे बालक आगे आ जाओ कर हो। श्याम के ना गुजरा रे सखीरी मुख पे जादू सोना रे नाम के ना गुजरा रे सखीरी मुख पे जादू सोना शंकर भगवान की हर हर महादेव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी शांति रावहा शांति रुद्रः शांति ही वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रवगों शांति ही शांति रेव शांति सामा शांति रेधे मंत्र पुष्पांजलि ओम जले नल्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः तेहना कर्म हिमानः सचन्त द्रवूर्पे सात्याः शांति देवाः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि भगवान शाम को गुरुदेव के पास चरण सेवा में लगे चरण चापन दो भाई। राम जी ने कहा गुरुजी ये लगन है ना, इसका मन कर रहा है कि हम जनकपुर देखे हमें। गुरुजी ने कहा बेटा लखन का मन कर रहा है, तुम्हारा तो नहीं कर रहा ना। अब राम जी कैसे कहें, मन तो राम जी का भी हो रहा है जनकपुर देखने का। अच्छा बेटा राम ये बताओ कि इसका लखन का तो मन कर रहा है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? बोले गुरुजी मेरा मन तो ये कह रहा है कि तुम आप कहो, आपकी आज्ञा हो तो लखन दिखाए लाऊं। अब गुरुजी बोले बेटा दिखा के तो वो ला सकता है जिसने पहले खुद ने देखा हो, क्या तुमने देखा है? अब राम जी चुप। लेकिन गुरुदेव ने ध्यान लगाया कि बात क्या है, क्यों आज राम का पहली बार कुछ मन हुआ है। दो गुरु चेला थे और चेला रोजाना गुरुजी से कहता गुरुजी दिल्ली जाने का मन हो रहा है, दिल्ली। अब गुरुजी बोले बेटा दिल्ली में अपना कोई काम ही नहीं है, अपन तो महात्मा ठहरे, आश्रम में आपने काम है, वृंदावन या गोवर्धन, दिल्ली में अपना क्या काम? बोले गुरुजी कैसे करो, मन बहुत कर रहा है दिल्ली जाएगा। बोले बेटा सोचेंगे। दो चार दिन बीते, फिर चेला बोला गुरुजी दिल्ली जावे को बहुत मन है। अब जब बार बार चेला कहे तो गुरुजी ने कहा कारण क्या है? योगी थे गुरुजी, उन्होंने योग ध्यान किया और जानने के लिए कि इसका मन क्यों भाग रहा है दिल्ली। जब ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि ओहो इसे चेला के प्रारब्ध के कुछ गन्ने दिल्ली के पास खड़े हुए हैं खेत में। अब वो बिल्कुल फसल पे पक गए हैं, वो कट के दिल्ली में आने वाले हैं। इसका प्रारब्ध इसे दिल्ली बोलो बोलो खींच रहा है। गुरुजी ने कहा कि अब इसको कहाँ डुलाए फिरूंगा, अपनी योग बल से उन गन्नों को तोड़ के ले आए और आश्रम में डाल दिए। और जैसे ही गन्ना मिले तो चेला टूट पड़े और धुआं उड़ाए था, एक नहीं बचो ने को। अब वाके बाद दूसरे दिन गुरुजी ने कहा बेटा चलो दिल्ली चल रहे हैं। बोले गुरुजी अब ना मन है रो। बोले मन नहीं है रो। अरे तू तो चिल्ला रहा था एक महीने से कि दिल्ली चलना है। बोले गुरुजी कल तक तो खूब मन हो हैं, पर अब कल लेते बिल्कुल मन शांत है, न कहूँ दिल्ली जानो न पिल्ली जानो, अब कहूँ ना जाना आश्रम में रह गए को। हेरी मैया कभी कभी आपका मायके में जाने का मन होता है ना, बहुत मन होता है। कभी कभी वो सास मना करे तो कितनी गुस्सा आती है, जो लगाते आग लगा दे, वो तो बस की ना मजबूरी है, माता जी है ना। हाँ लेकिन मन बहुत करता है, क्यों करता है? क्योंकि वहां पे कोई न कोई याद कर रहा होता है, वहां पे सब लोग चर्चा कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। याद जब तुमने किया, तैयार हो जाओ तालियों के लिए। अभी नहीं बजाना, नहीं तैयार कर रहा हूं। कुछ लोग तो सेल पे स्टार्ट होते हैं। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी। कोई याद करता है तो हिचकी आती है। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगीं और आंसुओं से जो लिखी। याद जब तुमने किया तो हिचकियां बोला करो अच्छी लगी। और आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगीं। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगीं, आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगीं। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। ऐसी हालत हो गई मोरी। आज मेरा कथा कहने में बड़ा मन लग रहा है क्योंकि आज पांडाल छका छक भरा दोनों तरफ। अच्छा, माताएं थोड़ी कम हैं तो माताओं की तरफ भी आदमियों ने कब्जा कर लिया है। या कब्जा करवेगी तो आदत ही यहाँ बहुत ज्यादा है, कभी प्लॉट पे कब्जा के, कभी घर पे कब्जा के, कब कब अब यहाँ पांडाल में कब्जा कर लो, देखो पूरे इधर तक भर गए। पर नहीं, अच्छी अच्छे भगवान के नाम में कब्जा करो तो कोई बुरी बात ना है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत आज भाव से लोग आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत साधुवाद है। ठीक है, अब खड़े हैं, जाओ। कल राम जी की शादी करेंगे। मैं कथा कम कह पा रहा हूँ इसीलिए क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, कथा कम है। और वैसे कम रहे तो ही ठीक है, तुमने प्यासे से बनी रहो तो ही अच्छे लगा। तो जैसे कि जाओगे तो फिर आओगे, खड़े आ जाओ करो जी, बैठे कैसे हैं? एक तो इतने मोटे मोटे हैंगे पर खड़ा हो तो ना भाई जाओ। अब एक भजन गा लो सब्जी बाल। अच्छा, यहाँ के बालक ना फुर्ती ना, तो वैसे ही है जैसे कैसे कहूँ, न तो नाचे न कूदे, ऐसे बैठे रहते माटी के से। हमें उधर आगरा में, ग्वालियर में उधर कथा करते तो इतना नाचते हैं बालक, पांडाल की धूल उड़ा देते हैं। और यहाँ तो पता नहीं मठा पी बताए कि जिन खा करता है। और नाचवे नाचवे बालक आगे आ जा करो, मुझे अच्छा लगे। बालक तो नाचत कूदत ही अच्छे लगता है हैं? और समझ लो जिन पे उछले और नहीं जा रहे हो, बैठे उठे हो नहीं जा रहे हो तो बुढ़ापा आएगा, फिर काहे के जवान है हा? तो नाचवे नाचवे बालक आगे आ जाओ करो। हो श्याम के लेना गुजरारे सखीरी मुपे जादू सोटारे, श्याम के लेना गुजरारे सखीरी मुपे जादू सोटारे। शंकर भगवान की हर हर महादेव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी शांति हे पृथ्वी शांति रावहा शांति रुद्र हा शांति हे वनपते हा शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति हे त्रवगो शांति हे शांति रेव शांति श्यामा शांति रे धे मंत्र पुष्पांजलि ओम जन्ने नन्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः तेहन कर्म हिमानः सचन्द द्रवोर्पे सात्याः शांति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे।